Welcome to GS Quick Learning. The topic is LLP, that is called Limited Liability Partnership. Clear? So let's we discuss. So it is an alternative corporate business form which offers the benefit of limited liability to the partners at low compliance cost. So simply limited liability partnership नाम से हमें ये पता चल रहा है कि एक partnership है first. Second की इसके जो liability है ना वो क्या है? लिमिटेड है. इट मीन्स कि इसके जो पार्टनर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी, लिमिट में होगी. ओके, सो वो होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. इट ऑल्सो अलाउज द पार्टनर टू ऑर्गेनाइज देयर इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ए ट्रेडिशनल पार्टनरशिप. सो ये कहते हैं कि ये अलाउ करता है उनको, पार्टनर्स को, कि वो अपना इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो जैसे पार्टनरशिप होती है उसी की तरह रख सकते हैं. So a limited liability partnership is a legal entity. So your limited liability partnership होती है एक legal entity होती है, liable for the full extent of its assets. The liability of partners, however, is limited. So आपको basic इसमें बारे में बता देती हूँ कि जो limited liability बारे में, first तो ये है क्या होती है, इसकी partners की liability जो होती है limited होती है, ठीक है. Second बात, वो ये किस में रजिस्टर्ड होगी? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 इसमें जो है रजिस्टर्ड होती है. सो इसकी एक प्रीपेचुअल सक्सेशन लीगल एंटिटी जैसे कंपनी की होती है वैसे इसमें भी फीचर्स होती हैं. सो उसके बाद हम इसके साइलेंट फीचर करेंगे. सो फर्स्ट फीचर होता है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का, इज ए बॉडी कॉरपोरेट. सो कहते हैं कि अकॉर्डिंग द सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जैसे कि मैंने बताया कि ये LLP एक्ट 2008 के अंदर क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है. सो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मड हुई होती है और जो इनकॉर्पोरेट है अंडर दिस एक्ट के अंदर जो इनकॉर्पोरेट होती है तो इसकी क्या बन जाती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है जब जे कॉरपोरेट होती है, इनकॉर्पोरेटेड होती है LLP एक्ट 2008 के अंडर. क्लियर? उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है परपेचुअल सक्सेशन. सो अनलाइक ए जनरल पार्टनरशिप फर्म, अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इवन आफ्टर द रिटायरमेंट इंस्टेड इंसॉल्वेंस और डेथ ऑफ द वन. सो कहते हैं कि परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ना, जब एक बार वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जैसे मैंने बताया. तो अगर एक मेंबर जो वो रिटायर हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है या फिर किसी कारण के कारण वो छोड़कर चला जाता है तो उसके क्या होगा? उससे ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है जो वो बंद नहीं होगी, ये चलती ही जाएगी. क्लियर? तो इसकी एग्जिस्टेंस किसी एक मेंबर के जाने से ख़त्म नहीं होगी, वो चलती ही जाएगी जब तक लॉ उसको बंद नहीं करेगा. क्लियर? तो ये इसमें लिखा हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सेपरेट लीगल एंटिटी. सो जैसे कहते हैं कि यस लाइक ए कॉरपोरेशन और अ कंपनी, जैसे कंपनी होती है ना उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसकी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है. और ये अपनी लाइबिलिटी के लिए प्रॉपर लाइबल होता है. ऑल्सो द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड टू द कंट्रीब्यूशन. सो इसमें मैंने पहले बता दिया था कि जो शेयर होल्डर होते हैं जहाँ इसके पार्टनर्स होते हैं, वो कंपनी के शेयर होल्डर हो गए, LLP के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी. ओके, सो हैंस द क्रेडिटर ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आर नॉट क्रेडिटर ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर. सो इसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी और इसके जो किसी इंडिविजुअल पार्टनर के जो क्रेडिटर नहीं होंगे. हैंस द क्रेडिटर ऑफ द लिमिटेड पार्टनरशिप आर नॉट द क्रेडिटर. सो जो क्रेडिटर होते हैं ना LLP के, जिसने वेंडर होते हैं जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के, वो किसी इंडिविजुअल के लिए क्रेडिटर नहीं माने जाएंगे. क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट म्यूचुअल एजेंसी. सो अनदर डिफरेंस कहते हैं LLP में और पार्टनरशिप में क्या होता है कि दैट इंडिपेंडेंट और अनऑथोराइज एक्शन ऑफ वन पार्टनर डू नॉट मेट अदर पार्टनर लाइबल. अगर पार्टनरशिप में किसी LLP में किसी एक जो पार्टनर ने कोई एक्शन लिया तो उसके लिए सिर्फ वो ही पर्सन लाइबल होगा, ना कि अदर मेंबर और अदर पार्टनर. क्लियर? उन पे कोई बाइंड नहीं किया जाएगा, वही सिर्फ लाइबल होगा. सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इसमें LLP एग्रीमेंट.
सो द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑल पार्टनर आर गवर्न्ड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन देम. सो कहते हैं कि जो भी राइट ड्यूटी के उन्होंने कौन कौन सा हक है, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ है, कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए जाएंगे उन द्वारा पार्टनर्स के द्वारा, कौन कौन सी ड्यूटीज़ है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब जो गवर्न किया गया है वो एक एग्रीमेंट के द्वारा बताया जाता है कि आपकी ये ड्यूटीज़ हैं. ओके, सो ऑल्सो द पार्टनर कैन डिवाइज द एग्रीमेंट एज पर द चॉइस इफ सच एग्रीमेंट इज नॉट मेड एन एक्ट गवर्न. अगर वो एग्रीमेंट ये नहीं करते जो भी जिसमें डिफाइन होगा, तो उसको क्या किया जाएगा, एक्ट गवर्न करेगा, एक्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि आपके कौन कौन से राइट हैं और कौन कौन सी ड्यूटीज हैं. क्लियर. उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. जैसे कि कंपनी की होती है रजिस्टर्ड होने के बाद एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाता है, उसी तरह जो LLP होती है फॉर ऑल लीगल पर्पज. LLP इज ना जब जो इनकॉर्पोरेट होती है LLP एक्ट 2018 के अंडर, तो क्या होता है कि इसकी सेपरेट आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी बन जाती है. ये अपने नाम पर कुछ भी कंपनी के डॉक्यूमेंट पर या कम पर्सनली लाइबल होगी कंपनी. ओके, LLP सॉरी. तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉमन सील. तो जैसे कंपनी की थी ओके, उसी तरह LLP भी क्या होगी, एक कॉमन सील होगी. जो भी ऑथोराइज पर्सन होते हैं वो क्या करेंगे, कॉमन सील को यूज करेंगे कंपनी के डॉक्यूमेंट पर एज ऑफिशियली. क्लियर. सो हाउएवर डिसाइड टू हैव सील, इट्स नेसेसरी द सील रिमेन अंडर द कस्टडी ऑफ रिस्पॉन्सिबल. एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल होगा, उसके पास उसकी कस्टडी होगी. अ कॉमन सील कैन बी अफिक्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द लिमिटेड बाय, तभी वो यूज़ की जाएगी जब एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे LLP में. क्लियर. उसके बाद हमारे पास आता है लिमिटेड लाइबिलिटी. ये तो पहले ही था, मेन इसका यही है कि जो LLP के पार्टनर्स होंगे, LLP के जो भी पार्टनर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी. क्लियर. तो एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ फॉर द एजेंट ऑफ द LLP for the purpose of the business of entity. However, he is not agent of the other partner. So the liability of each partner is limited. His aggregate contributor limited liability provide liability protection to the partner. So simply यही कहा गया कि जो उसकी liability होती है, जो देनदारी होती है partners के LLP में, वो क्या होगी, limited. Clear. उसके बाद हमारा next point आता है इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन LLP. LLP जो होता है मैं कितने मिनिमम कम से कम और कितने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स होंगे. सो एवरी लिमिटेड पार्टनरशिप मस्ट हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर. कम से कम 2 पार्टनर तो होने चाहिए एंड एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल एज द, और डेजिग्नेटेड पार्टनर भी 2 होने चाहिए. क्लियर. एट एनी टाइम एटलीस्ट 1 डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया. सो कहते हैं कि जो डेजिग्नेटर पार्टनर होते हैं ना, मीन्स मेन ऑथोरिटिव पर्सन जो होते हैं, उसको हम कहते हैं डेजिग्नेटर पार्टनर. क्लियर. 2 होने चाहिए, 2 में से कहते हैं जो एक है ना वो किसका होना चाहिए, इंडिया की रेजिडेंसी होनी चाहिए उसके पास, रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, जो बेसिकली 182 डेज इंडिया में रह चुका हो, उसको हम कहते हैं रेजिडेंट. क्लियर. सो देर इज नो मैक्सिमम लिमिट. सो इसमें कहते हैं कि LLP में मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कोई भी कितने भी नंबर ऑफ पर्सन जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए. सिंपल 2 होने चाहिए डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड 1 होना चाहिए रेजिडेंट. ओके, और 1 अदर कंट्री का हो सकता है. उसके बाद हमारे पास आता है बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्ट्रक्चर. सो द पार्टनर्स ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कैन मैनेज इट्स बिजनेस. However, only the designated partner is responsible for legal compliance. तो कहते हैं कि partner of the limited liability partner can manage, जो partners होते हैं ना LLP के, जो भी partners हैं वो अपना जो business को manage कर सकते हैं. तो जो designated partner होते हैं वो all legal, जो भी legal action लिए जाएंगे उसके लिए वो responsible है. जो भी काम होगा business का वो उसको कौन करेगा, partner करेंगे. और जो भी legal काम होंगे, legal rules regulation होते हैं जो follow करने पड़ते हैं, उसके लिए कौन responsible होगा, designated partner. clear. उसके बाद next feature है इसकी कि business for profit only. जो LLP होती है ना cannot be formed for charitable or non-profit purpose. उनका मेन यही पर्पस होता है क्या करना, प्रॉफिट को अर्न करना और ज़्यादा से ज़्यादा करना, यही पर्पस होता है इसका. क्लियर.
उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें फीचर्स में इन्वेस्टिगेशन. सो कहते हैं कि द पावर टू इन्वेस्टिगेट अफेयर्स ऑफ एलएलपी रेजिड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि जो एलएलपी है उनकी क्या कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके. ओके फर्दर दे कैन अपॉइंट है. सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो किसी को भी अपॉइंट कर सकती है किसी पर्सन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट. एनी कॉम्प्रोमाइज एंड एग्रीमेंट लाइक ए मर्जर अमलगामेशन नीड्स टू अकॉर्डिंग विद दी. अगर एलएलपी में हमें कोई भी जो है मर्जर करनी पड़े, अमलगामेशन करनी पड़े, तो किससे, किसके रूल्स रेगुलेशन से हम करेंगे. एक्ट, एक्ट कौन सा, एलएलपी एक्ट 2008 के अंडर जो भी रूल्स रेगुलेशन लिखे होंगे उसी रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम जो है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट कर सकते हैं मर्जर और अमलगामेशन. क्लियर. उसके बाद हमारे पास फीचर है कन्वर्जन इनटू एलएलपी. अ प्राइवेट कंपनी फर्म और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कैन बी. तो कहते हैं एक तो प्राइवेट कंपनी और जो पब्लिक कंपनी लिस्ट नहीं हुई हुई हो, अनलिस्टेड हो, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एलएलपी में जो एक्ट है उसकी प्रोविजन के अकॉर्डिंग. सिंपली एक्ट कौन सा, 2008 वाला. उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट्स में आता है ई फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट. इफ एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट देन इट्स नीड टू बी फिल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. सो कहते कि अगर कोई एलएलपी है जो उसने कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है वो फाइल करना होता है तो वो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू कर सकती है. जैसे ये उसकी वेबसाइट होती है www.mca.gov.gov.in. तो उसके बाद अ पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर हैज़ टू ऑथेंटिकेट सेम यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक. सो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे या पार्टनर होंगे वो डिजिटल सिग्नेचर कर कर उस पर डॉक्यूमेंट पर, तो यहाँ पर जो साइट है उस पर जो है फाइल कर सकते हैं. क्लियर. तो थैंक यू सो मच. कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन शेयरिंग.